सारे दावे कर रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, आपने कहा कि जवानों के सर कट रहे हैं और वही सरकार कह रही है कि हम एक के जगह चार सर ला रहे हैं या सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो एक के जगह चार से एक भी सर दिखाए सरकार, सर्जिकल जो सरकार ने स्ट्राइक की उस टाइम मैं वहां उसी पोस्ट के अंदर मौजूद था, मैं बता सकता हूँ। मैं ये नहीं खुलासा करना चाहता सुरक्षा का मामला कैसी सर्जिकल, ये कोई नई बात नहीं है, हर सरकारें ये काम करती आई है। ये जो फौजा सेना का काम है, ये सरकार जो है बेवकूफ बनाने की जानबूझ के इशू बना रही है, सरची सरकार हमने ये किया वो किया, फौज का वो काम है वो अपना काम करने दीजिए, लेकिन नहीं तो फिर क्यों जवानों की इतनी हत्या हो रही, 700 जवान बीमारी से मर चुके हैं सरकार, क्या इन्होंने क्या ध्यान दिए आज पैरामिलिट्री के जवानों के? इन्होंने कहा था हम वन रैंक वन पेंशन देंगे, आपको ये सुविधाएं देंगे, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं, जबकि अफसरों को इतने जो इन्होंने पावर दी गई है कि कोई भी जवान को 24 घंटे में डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके घर भेज रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, क्या हमारे लिए क्या यही अच्छे दिन है? सर आपने कहा कि जैसे 700 जवान बीमारी से मरे हैं, तो क्या वहां पर सुरक्षा इंतजाम या उपचार के कोई पूरे उपभोक्ता इंतजाम नहीं होते? हमारे पैरामिलिट्री के जवानों को कोई भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाके डाल दिया जाता है, मरे जी उसकी कोई जवाबदारी नहीं है सरकार की, वो अपने पैसे से इलाज कराता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने पीछे नक्सली हमला हुआ कहा था कि 1 करोड़ देंगे, आज उन जवानों के परिवारों से पूछो अभी तक पेंशन तक नहीं मिला, तो सरकार सब ये झूठे वादे कर रही है, पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। ये जवान जितने भी जवान है सब पीड़ित जवान है, सब डिसमिस फ्रॉम सर्विस है, सब झूठे केसों में फंसाया गया। यदि सरकार चाहती है जवानों को भला तो कमेटी गठित करे और निष्पक्ष जांच कराए, अगर यदि हम 1% भी दोषी है तो हमारे को इंडिया गेट के सामने फांसी लगा दे, हम तैयार है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बगैर निष्पक्ष जांच के सरकार फैसला ले लेती है, जवानों को निष्कासित कर दिया जाता है, अच्छे दिन की बात होती है लेकिन अच्छे दिन नहीं आते, जब जवानों की सुरक्षा नहीं हो सकती तो जनता की सुरक्षा कहां से देगी सरकार? कैमरामैन मोहित के साथ गौरव यादव, नेशन टाइम्स।